वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतिम बजट पेश करने वाली हैं। वहीं इस तरह लगातार 6वीं बार बजट पेश करने वाली वो देश की दूसरी वित्त मंत्री बन जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इसके पहले लगातार 6 बार बजट पेश किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार छठा बजट पेश करने जा रही हैं। ये रिकॉर्ड होगा। इसमें 5 सालाना बजट और इस बार पेश होने वाला अंतरिम बजट शामिल है। उनसे पहले सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1959 से 1964 के बीच वित्त मंत्री के रूप में लगातार 6 बार बजट पेश किया था। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ निर्मला सीतारमण पहले के सभी वित्त मंत्रियों जैसे मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री के अंतरिम बजट से मौजूदा सरकार को आगामी लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनने तक कुछ धन खर्च करने का अधिकार मिल जाएगा। 116 इज द वोट्स ऑन अकाउंट विच इज नॉर्मली यूज्ड इफ द बजट रिक्वायर्स यू नो देयर आर सर्टेन पीरियड व्हेन द बजट इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड और यू नो एवरीथिंग इज टू बी डन। So government needs money, so they would want to have certain amount of money. आगामी लोकसभा चुनाव की वजह से अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव नहीं हो सकता है। पिछले महीने सीतारमण ने अंतरिम बजट में किसी भी शानदार घोषणा से इनकार करते हुए कहा था कि ये आम चुनाव से पहले सिर्फ वोट ऑन अकाउंट होगा। वोट ऑन अकाउंट पर संसद से मंजूरी मिलने के बाद मौजूदा सरकार अप्रैल से जुलाई में होने वाले खर्चों के लिए पैसे निकाल सकेगी। As it happened in the last year, last election year, the government did come up with small policy changes, some rates, some benefit to be given to individual taxpayer. That's a completely prerogative of the government to decide what is the priority item, and then it cannot wait for 4 months time. संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जून के आसपास नई सरकार बनेगी। नई सरकार जुलाई में पूरा बजट पेश करेगी। निर्मला सीतारमण दूसरी महिला हैं जो केंद्रीय बजट पेश करेंगी। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970-71 का बजट पेश किया था।